इज अ पिलग्रिमेज, जी हाँ यही टैगलाइन की फिल्म लेकर आ रहे हैं अभिषेक कपूर। फिल्म का नाम है केदारनाथ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं उदय प्रताप सिंह। इस फिल्म के बारे में वार्ता करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे संग फिल्म के मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आई टी वी नेटवर्क पर। इट्स टाइम नाउ फॉर द फिल्म टू रिलीज, डी डे इज हियर। तो क्या चल रहा है दिमाग में सारा? पहले मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपकी डेब्यू फिल्म है, तो अभी क्या चल रहा है? बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, बस वेट कर रही हूँ कि लोग आएँ और ये पिक्चर देखें, और बस थोड़ी नर्वस हूँ अभी। पहले तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि नर्वस नहीं हूँ, अभी नर्वसनेस का क्या काम हो गया ये वो, लेकिन अभी कल पिक्चर रिलीज़ हो रही है तो थोड़ी बहुत नर्वस हो रही हूँ धीरे धीरे। धीरे से एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा फास्ट नर्वस हो रही हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा सब। आपके जहन में भी यही चल रहा था आपकी पहली फिल्म में? आप हालांकि बहुत काम कर चुके थे उससे पहले टेलीविजन की दुनिया में, मगर जब पहली फिल्म आई तो ये थी नर्वसनेस? जी हमेशा ही रहती है, मतलब कोई भी आप नई फिल्म करते हैं और नई कहानी होती है, नए किरदार निभा रहे होते हैं और जितना भी आता है आपको उसको पूरी तरह से निभा के वो कोशिश करते हैं कि आप करें, और फिर ये बस आप होप कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उसको पसंद करें। तो अभी वो लास्ट कट दो, अभी भी नर्व्स रहते हैं अभी भी, जैसे केदारनाथ अभी रिलीज़ हो रही है तो अभी भी नर्व्स हैं थोड़े से? इस तरीके की कहानी बोलने के लिए आप जब आप क्या कैरेक्टर से जुड़ते हैं तो बड़े वल्नरेबल होते हैं, तो जब आप वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं तो चाहते हैं कि लोग उसको देखें और थोड़ा संभाल के देखें और समझें कि आप क्या बताना चाह रहे हैं एज ए कैरेक्टर। सो वी जस्ट होप द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी वांट टू एम्फसाइज इन द स्टोरी दे गेट एम्फसाइज एंड यू नो लव इज अ पिलग्रिमेज, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग, या वेल यू नो आई विल जस्ट गेट टू योर कैरेक्टर्स इन अ बिट व्हिच यू हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वंस अगेन ऑन द रिव्यूज कमिंग इन ऑलरेडी, यू नो देयर वाज ऑफ कोर्स अ स्क्रीनिंग इन मुंबई एंड वेरी पॉजिटिव रिव्यूज कमिंग योर वे, सो हाउ डज दैट फील? एनी कॉम्प्लीमेंट्स दैट आर स्टिकिंग इन योर हेड ऑलरेडी? यू नो आई फील लाइक एवरीथिंग इज मूविंग सो क्विकली, सब इतने जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ भी दिमाग में बैठ ही नहीं रहा। मतलब कल रात ही स्क्रीनिंग थी और सुबह सुबह फ्लाइट पे आई हूँ, तो एक्चुअली किसी ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं है अभी तक, तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है मुझे। पता चलेगा, कोई ऐसा है जिसको आप ये फिल्म ज़रूर दिखाना चाहते हैं, जिसके फीडबैक यू आर रियली वेटिंग फॉर, योर मदर, योर फादर, कोई और? यू नो मदर फादर का इतना नहीं है, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि जैसी भी हो फिल्म उन्हें तो अच्छी लगेगी क्योंकि इनकी बेटी है पिक्चर में। मैं बस वेट कर रही हूँ कि ऑडियंसेस देखें, क्योंकि अल्टीमेटली दे हैव टू डिसाइड, यू नो। तो बस उतना ही इंतज़ार है कि अभी फ्राइडे आ जाए, पिक्चर रिलीज़ हो जाए, सब देख लें और फिर पता चल जाए कि मतलब कैसा है। जी आपकी, आपके लिए किसकी राय सबसे महत्वपूर्ण होती है सुशांत? क्रिटिक्स, ऑडियंस, कोई फैमिली मेम्बर्स? पता चल जाता है कि किस तरीके से फिल्म को एक्सेप्ट किया गया है, और वही एक डिफरेंशिएटर होता है मुझे लगता है। आपको पता चल जाता है कि ज़्यादा लोगों ने देखा है और उनको अच्छा लगा, मतलब समझे हैं, या फिर नहीं हुआ ये चीज़, तो आप उससे सीखते हैं और फिर अगली बार कुछ उसको ठीक करना चाहते हैं। मैंने कुछ बच्चों को और कुछ बुज़ुर्गों को दिखाया है तो उन लोगों को सबका काम बहुत अच्छा लगा, तो ये अच्छी शुरुआत है। That's a good start, exactly. फिल्म के बारे में अब बात करते हैं। इस फिल्म की कहानी में ऐसा क्या था सारा कि आपने इस फिल्म को हाँ आपने कहा, और ये फिल्म आपके यू नो आप हाउ डिड इट कम टू यू एज वेल, आपके पास ये फिल्म कैसे आई, आपके डेब्यू फिल्म? एक्चुअली जो इस फिल्म के निर्देशक हैं अभिषेक कपूर जी, उन्होंने संदीप को फ़ोन किया, मेरे मॉम के एक फ्रेंड हैं संदीप, और उनसे कहा कि वो मुझे ये पिक्चर देना चाहते हैं। उसके बाद मैं उनसे मिली और कनिका ढिलन जो इस फिल्म की लेखक हैं उनसे मिली, और उसके बाद उन्होंने मुझे ये फिल्म नरेट की, और उसके बाद तय हो गया था कि बस यही पिक्चर होगी मेरी। और जहाँ तक आपका पहला सवाल था, मुझे लगता है कि अगर ये हमारी मैं अपनी लेखक की बात करूँ या अपने निर्देशक की बात करूँ या मेरी और सुशांत की बात करूँ, आई थिंक हम सब ने कोशिश की है कि आप लोगों तक हम एक मैसेज पहुंचा सके, बट माय फेवरेट थिंग अबाउट दिस फिल्म इज़ आप जो चाहे ना आप इस पिक्चर से ले सकते हैं। अगर आप एक सुंदर लव स्टोरी देखना चाहें, अगर आप मतलब वादियों का मज़ा उठाना चाहें, अगर आप अच्छी म्यूज़िक सुनना चाहें, अगर आप यू नो बस एक मासूम लड़का और लड़की की कहानी देखना चाहें,
इस फिल्म में मेरे हिसाब से तो सब है. So and for a debutante as well, you believe that this is the perfect debut. It's a dream, sir. It's a dream. I mean, I can't imagine anything better than this for me. Okay. वही सवाल आपसे सुशांत कि ये फिल्म आप तक कैसे पहुंची और आपने हाँ क्यों कहा इस फिल्म में, क्या था USP, क्या थी इस फिल्म के लिए आपके लिए? मुझे अभिषेक सर ने वापस एक बार बुलाया और उन्होंने कहा कि ये पढ़ के बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है. तो मैं समझ गया था कि एक्चुअली कुछ हो सकता है. और जब मैंने पढ़ा तो जनरली मैं थोड़ा डिटैच रहता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ते के साथ मुझे बड़ी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग हुई और मुझे लगा कि ये कहानी तो ज़रूरी जानी चाहिए मेरे, चाहे मैं हूँ ना हूँ. तो मैंने उनको ये बात बताई और फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मंसूर करो. तो फिर वैसे ही कहानी शुरू हुई थी. और धर्म के बारे में भी फिल्म जिक्र करती है, पिलग्रिमेज की बात तो हमने करी ली और आप भी काफ़ी प्रेरित हैं. आप भगवान शिव का आपने आज टी शर्ट पहना हुआ है, तो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आप असल ज़िंदगी में भी. मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ. मुझे लगता है कि अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के. साइंस एक इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, फेथ एक और तरीका है. दोनों से अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं. साइंस और फेथ और बीच में जितना भी कुछ होता है, मेरे में थोड़ा बहुत रुझान सब में रुचि. तो इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए रुझान आ रहे हैं मन में. तो रुचि सब में, तो कुछ कुछ अलग अलग तरीके से मैं समझता हूँ और अच्छा लगता है समझना, बस इतना ही. मगर खास भगवान शिव में मानता है? जी हाँ, जब मैं पढ़ाई किया करता था तो उसमें कुछ पढ़ते थे जिसमें ऐसा स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है शिव के साथ, क्वांटम फिजिक्स का या कुछ भी कह लीजिए. तो एक दो चीज़ें थी जो मुझे बहुत शुरू में बहुत एक्साइट करी थी और कॉलेज में था तो मैं उस पर बहुत सारे टाइम स्पेंड किया था मैंने देखने में कि इज देयर आर देयर एनी रिलेशंस. वेल लेट्स जस्ट से कि आई एम स्टिल क्यूरियस. ओके, व्हाट अबाउट यू, आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल? I don't know if you call it spiritual, if you call it religious, but when one goes to places like Kedarnath, and there are a lot of places like that in our country, you know, all the way from Fatehpur Sikri and Ajmer Sharif to the Golden Temple to some of the churches in our country, I just think that when you go to these places, there's such a positive vibe and positive energy, you know. Wo jo shraddha hoti hai na, wo aapko mehsoos hoti hai. और वो एनर्जी मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे डिफाइन नहीं कर सकती. मैं जानती नहीं अगर ये स्पिरिचुअलिटी है या रिलीजियसिटी, मुझे पता नहीं है. लेकिन बस वहाँ जाकर उन लोगों के साथ रहकर, अगर कमरे में दो लोग हों या हज़ार लोग हों, ये जानकर और ये फील कर कर दैट एवरीबडी देयर इज़ जॉइंट विद दिस कॉमन बिलीफ, आई थिंक दैट यूनाइट्स पीपल मोर देन a lot of things in this world, you know, and I find that very beautiful. Yeah, दरअसल मैं भी जा चुका हूँ केदारनाथ, मैं भी ट्रैक करके जा चुका हूँ. मैं एक स्कूल में, कैसे गए आप? देहरादून के एक स्कूल में मैं पढ़ता था. चलकर गए? जी बिल्कुल, ट्रैक करके गए. हर साल हम दो ट्रैक्स पे जाते थे. मैं देहरादून में एक बोर्डिंग स्कूल में था तो हर साल हम दो ट्रैक्स पे जाते थे. और तो चार धाम की यात्रा हम भी कर चुके हैं. तो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, पॉजिटिविटी ज़रूर वहाँ मिलती है और महसूस होता है वो. बट यू शॉट ऑन रियल लोकेशंस एज वेल, तो ड्यूरिंग द शूट एनी स्पेशल मोमेंट, एनी यू नो पावरफुल मोमेंट, एनी डिफिकल्ट मोमेंट दैट यू नो नाउ हैज स्टक विद यू दैट यू कैन थिंक ऑफ ड्यूरिंग द शूट एट एनी ऑफ योर रियल लोकेशंस? बात शुरुआत तभी होती है जब आप फिल्म के लिए हाँ करते हैं और वंस यू नो द व्हाई यू हैव डन व्हाट यू हैव डन, आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हो फिल्म, तो मज़ा वहाँ से शुरू हो जाता है. और जैसे बचपन में खेलते थे तो उसमें चोट लग जाती थी, कभी गिर जाते थे, कभी हार जाते थे, लेकिन मज़ा हमेशा आता था. ये वही है जब आप कहानी से या अपने काम से प्यार करते हो तो फिर आप इतना ज़्यादा एनालिसिस में नहीं जाते, आप बस और अपना रोल भी प्ले नहीं कर रहे होते. मतलब सारा ने कभी ऐसा, वो कभी डेब्यू नहीं कर रही थी, मैं कभी सीनियर एक्टर नहीं था, अभिषेक कभी डायरेक्टर नहीं था. हम लोग सब मिलकर कोशिश कर रहे थे कि जो हमने सोचा है उसको कैसे सामने लाए, और वो रेजोनेंस जो है ऐसी जगह पर अच्छे से फील होता है. जी, जैसे मैंने कहा शुरुआत में भी, इस फिल्म के बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, कंट्रोवर्सी में भी पड़ चुकी है फिल्म. बहुत पॉजिटिव फिल्म है मगर फिर भी ये नेगेटिविटी पाना फिल्म के लिए कुछ क्वार्टर्स से, और अब हालांकि सारे केसेस जो हैं सब डिसमिस हो चुके हैं, यू गॉट अ ग्रीन सिग्नल नाउ फॉर रिलीज. इनफैक्ट आई थिंक कोर्ट ने ये भी कहा कि पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा था ये सब, आई थिंक दैट्स व्हाट द जज सेड एज वेल. बट हाउ डिड यू सी दिस कंट्रोवर्सी, सारा मैं आपसे पूछूंगा, वो भी आपकी पहले फिल्म में. यू नो मैं इन सब बातों में ज़्यादा
बिलीव नहीं करती और इसीलिए क्योंकि मैं इन बातों के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं, यू नो जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, यू नो दिस रिलीजियस एंगल और दिस कास्ट एंगल और थिंग्स लाइक दैट, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट लकी कि मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ, यू नो. और बट आई वेरी सीरियसली रिस्पेक्ट ऑल थॉट्स, यू नो, एंड ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से सोचते हो उसका असर बहुत कारणों से होता है. यू नो, यू थिंक द वे यू डू बिकॉज ऑफ योर अपब्रिंगिंग, बिकॉज ऑफ द योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द लाइफ दैट यू लिव्ड. तो इन वजह से शायद मेरे लिए रिलीजन एक डिफाइनिंग मार्कर नहीं होता है, लेकिन मैं मान सकती हूँ अगर किन लोगों के लिए होता भी है. सो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी राइट और रॉन्ग वे टू थिंक अबाउट इट, बट आई पर्सनली फाइंड इट अ लिटिल हार्ड टू टोटली अंडरस्टैंड कॉन्ट्रोवर्सीज रिलेटिंग टू कास्ट एंड क्रीड एंड एथनिसिटी एंड रिलीजन. आई डोंट अंडरस्टैंड इट. जी, आपने इस कॉन्ट्रोवर्सी को कैसे देखा? हालांकि एक्टर्स के हाथ में बहुत कुछ होता नहीं है, द टीम्स आर हैंडलिंग इट, द प्रोडक्शन इज हैंडलिंग इट. मुझे लगता है एक्टर्स के हाथ में बहुत कुछ होता है, हम लोग अगर सोचें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर हमारे कैरेक्टर पोर्ट्रेयल में इतनी पावर हो सकती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरली करता हूँ, कि हम एक्टर्स इतने बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं, तो हम उस कैरेक्टर जिसको प्ले करते हैं उसको भी सुपरस्टार बना सकते हैं. और अगर वो कैरेक्टर किसी वैल्यूज़ पे विश्वास करता है तो हम उसको पंक्चुएट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू ऐड कि किसी भी सोसाइटी में जितने ज़्यादा डिफरेंस ओपिनियंस के होते हैं उतना अच्छा हो सकता है, अगर उसको अच्छे से नेविगेट किया जाए. कमाल की बात यह है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, CBFC है, गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, ये सबको शुरू में स्क्रूटिनाइज करने के लिए कि बहुत ऊपर के लेवल के डिसरप्शन ना हो. जहाँ तक छोटे बहुत इन द सेंस जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की बात आती है, तो वो बात करके सॉल्व किया जा सकता है. मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉन्टेक्स्ट के डिफरेंसेस में. किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही हुई किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ अलग लगती है, तो परसेप्शन कभी कभार अलग हो जाता है कॉन्टेक्स्ट की, मुद्दे की बात. या, या. मुद्दे में थोड़ा भी अगर फर्क आया तो पहले मुद्दे में जो बात कही हुई दूसरे मुद्दे में शायद गलत हो जाए. बिल्कुल ऐसा हो सकता है. तो दूर से जब हम बात करते तो शायद मुद्दों का डिफरेंस होता है. अगर नहीं भी हो तो सामने बैठ के कोई भी ऐसी बात नहीं है जो सॉल्व नहीं की जा सकती. बेसिकली फिल्म किसी भी कास्ट के बारे में नहीं है, रिलीजन के बारे में नहीं है, एक ही चीज़ के बारे में है कि थिंग्स दैट गेट पीपल टुगेदर. तो जब साथ में लाना है तो फिर क्या आपत्ति होनी चाहिए. तो इसीलिए मैं पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कभी कभार फिल्म सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं बिकॉज इट्स सच अ पॉपुलर मीडियम एज यू सेड, बिकॉज सम रोल्स मेक यू इनटू सुपरस्टार्स, यू नो, हु आर रिकॉग्नाइज्ड. तो ये सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं. ऐसा नहीं है फिल्म सॉफ्ट टारगेट बन जाती है, लेकिन फिल्म को जब टारगेट किया जाता है तो उसकी वायरलिटी ज़्यादा होती है, तो वो बात फैल ज़्यादा जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म को ही टारगेट किया जाता है. हम समझते हैं कि आज के दौर में कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नैरेटिव है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है, चेंज कर सकती है, डिस्ट्रप्शन ला सकती है. और ऐसी कहानी जो एंटरटेनमेंट सेक्टर में हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपको एंटरटेन भी कर रही है. तो वो फिल्म्स है, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई भी ऐसी चीज़ों को जो डिबेटेबल है उसको बहुत ही अच्छे से सोच के, एक यूरोपियन स्टाइल होता है ना जिसमें हम एम्फसाइज नहीं कर रहे होते कि हम क्या सोचते हैं, हम बताते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या है और फिर आप पे है कि आप क्या सोचते हैं. तो एक तरीका है, मेथड है कहानी नैरेटिव बताने का. तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर वो चीज़ ऐसे दिखाएं जिस तरीके से हैं. ऑफकोर्स देर इज़ अ फिक्शनल स्टोरी एंड अ नैरेटिव विच इज सेपरेट ऑफ दैट, बट दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड आर ट्रीटेड वेरी वेरी केयरफुली एंड सो दैट पीपल कैन फॉर्म देयर ओन ओपिनियन. ओके, बिफोर वी मूव ऑन, आप भी इस बात से सहमत हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्म मेकर्स में एंड इट्स बीन ट्रीटेड सेंसिटिवली इज व्हाट सुशांति सिंह, बट कभी कभार फिल्म और एक्टर्स मीडियम और वायरलिटी की वजह से सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, ऐसी कंट्रोवर्सीज काफ़ी. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबका बोलने का तरीका होता है और सबका देखने का नज़रिया होता है, और बहुत अच्छी बात है अगर ये दोनों मिलते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है. तो अगर हम कुछ कहना चाहें, इसे परसीव करने के दो से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, तो देयर इज़ नो वे टू इंश्योर दैट
what we have set out to do is necessarily not going to offend anyone. Is the intention to offend anybody? Not at all. Have we endeavored to remain sincere? Yes, we have. Can I assure you that somebody will not get touchy? No, I cannot. Because like I said, your thought process is a product of your environment, your education, your upbringing, the way you look at things. And there's no way that I can tell you what a correct way to look at something is. सबका देखने का नज़रिया अलग होता है, मतलब आपके दृष्टिकोण से जो सही है वो मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है, और मुझे लगता है कि हम दोनों एक साथ भी सही हो सकते हैं। बिल्कुल, ओके, वी अग्री टू डिसएग्री एज दे से। चलिए अब हम आपकी पेयरिंग के बारे में बात करते हैं। आपकी पेयरिंग बड़ी इंटरेस्टिंग पेयरिंग है, बट काफ़ी सराही जा रही है। अभिषेक कपूर को मैंने इंटरव्यू किया था लास्ट मंथ, तो ही हैड सेड कि बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं दोनों के, एंड इट वॉज टोटली यू नो इट वॉज नॉट प्लान्ड टू हैव यू बोथ इन द फिल्म टुगेदर। तो पहली मुलाकात कैसी रही? इफ यू टेक यू बैक इन मेमोरी लेन, जब पहली मुलाकात हुई थी, मीटिंग हो रही थी जब मैं सारा से पहली बार मिला था। अच्छा, सुना मैंने इनके बारे में बहुत, एक दो बार शायद मिल भी चुका था पहले, लेकिन प्रोफेशनली इस फिल्म पे एक रीडिंग के दौरान मिला था और एक सीन हमने साथ में पढ़ा था और माहौल तभी से सेट हो गया था। मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि एक कैरेक्टर को किस तरीके से देख रही हैं, और एक बार जब बेसिकली हम जब अपना कैरेक्टर बनाते हैं तो अपने को कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, तो इनका देखने का तरीका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। सो आई थिंक शी इज राइट पिच टू स्टार्ट विथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अवर स्लाइटली डिविएटेड पिच आप बहुत अलग जा सकते हैं, तो राइट पिच था। और कमाल की बात यह थी कि ऐसा होना भी चाहिए कि आप जब तक ओके टेक ना हो जाए तब तक आप लगे रहें उस चीज़ को इम्प्रूव करने में, तो ये बिल्कुल बहुत ही कंसिस्टेंटली अभी तक ये कर रही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई थिंक मोर यू नो बी विद इट, द मोर विल ग्रो एज एन एक्टर। ओके, अब आपकी पहली फिल्म है, तो कुछ कुछ पहले ये सवाल तो होंगे ही पहले इंटरव्यू में, जाहिर सी बात है कि किस उम्र में आपने सोचा था कि आपको एक्टर बनना है, ये कब ख्याल आया था? सर मतलब मैं तो, मुझे लगता है कि जब से ख्याल आया है यही ख्याल आया है। तो मतलब 4-5 साल की होंगी मैं जब से। रियली? ओके, जी जी। लेकिन क्या है, बीच में थोड़ा पढ़ाकू कीड़ा भी था मुझे, तो मुझे लगा था कि मैं जाके पढ़ लिख के आ जाऊँगी। तो मैं गई कोलंबिया, मैंने इतिहास पढ़ा वहाँ, मुझे लगा कि मैं वकालत है, तो ऑब्वियसली पढ़ाई काफ़ी और बहुत मज़ा आया वहाँ पढ़कर, और फिर मुझे लगा कि मैं वकालत कर लूँगी। लेकिन फिर वहाँ जाकर जब मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया तब तो मुझे पूरी तरह पता चल गया था कि नहीं, मुझे यही करना है। और फिर मैं वापस आई और फिर केदारनाथ मेरे पास आई और रेस्ट इज हिस्ट्री। या व्हाट डिड यू नो योर पेरेंट्स टेल यू? सैफ अली खान ने क्या बोला आपको जब आपने उनको बोला कि you know this is the profession I've chosen, I want to be an actress? Mujhe nahi lagta ki, did he give you any advice? Yes, he did. You know, he's from this industry, so of course he did. His advice was more centering around how to strike a balance between work and a normal life, because it can engulf you, you know. I don't know very much, I'm very new, but even then, you know, as a world it can take over sometimes, you know, it becomes larger than life. What you eat, how you sleep, your hours, your choices, everything can get influenced by it. At which point it's important to remember that you have a life external to the films. You know, you have a home, you have family, you have friends. These things are important to know and remember, because I think they keep you grounded, and it also allows you to do better work then. Kyunki phir aap samajhte ho ki aap apne kaam se mohabbat bhi kar sakte ho. Aap bahut hi imandari se apna kaam kar sakte ho, lekin aapka kaam kaam hai. और आपकी अपनी पहचान और अपनी ज़िंदगी काम से अलावा भी है, और वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप काम कर रहे हो आप 100% काम कर सकते हो। जी, एंड इंटरेस्टिंगली ऑफ कोर्स आपने ये भी कहा कि इम्पोर्टेंट है ग्राउंडेड रहना, और आपके ऊपर इतना स्पॉटलाइट नहीं था डिस्पाइट बीइंग अ स्टार किड, जो अब तैमूर पे है जो आप देख रहे होंगे, तो ये कैसे आप देखते हैं? आई थिंक टाइम्स आर डिफरेंट सर। आई थिंक दैट मीडिया एज, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दिस इज़ मोर रैम्पेंट देन इट वॉज। तैमूर एंड आई हैव लाइक अ 21-year एज गैप, तो मुझे लगता है 2 decades में काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये भी है कि मैं मॉम के साथ रहती हूँ, सो मॉम आई थिंक स्टॉप डूइंग मेन लीड सिनेमा बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड शी इज़ नॉट रियली अ वेरी सोशल पर्सन, शी समबडी दैट्स ऑलवेज थॉट दैट अ नॉर्मल चाइल्डहुड एंड एन एकेडेमिक लाइफ एंड ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर पर्सनल ग्रोथ।
So I think it's a combination of these reasons. Okay. So she's one of the main reasons perhaps why you went to Columbia. And yes, I think both my parents are integral aspects of this because I personally loved studying. I still do. And I think that education is very, very important. And I had two parents that agreed with me, you know, irrespective of whether I wanted to act or not. I think education was integral to me as a human being on a personal level, to grow as a human being, you know, as opposed to just to pursue a career, which is what education is perceived as for most people. True. Well, speaking about Amrita ji, though, I'm so happy she's come back on the big screen and she's acting a lot more now. Yes, you know? She is. So it's good to see and hope that continues as God possibly willing. You can do a film together as well. Inshallah, one day. That would be amazing. Okay, very quickly, Sushant, on education, I think you are pretty, you know, in tune with that as well because you're also constantly educating yourself. You know, you've... we've been seeing in America, you're studying and you're looking at space travel and technology and all of that. So are you also constantly reading and looking at that? Science of particularly? Of course, that curiosity of my... Or you were also an engineer. Padhai kar rahe the. Yes, I left it. Yes, education, I understand. My mom also said this. I don't understand what you are going to become. But it's important that you get educated because this, that will decide how you see the world. And like quite rightly, she said that the ways of seeing are the differentiator, not what we see. So education is important. I also feel that education at this point of time is almost completely redundant that we have. The latest stats that 65% of kindergarten kids this year would, if they do ever, end up working for a job, they will end up working for technologies that are still not invented yet. So what will they study? तो इसलिए जो पेडागॉजी बनती है नॉलेज स्ट्रक्चर बनता है उसको बनाने में मैं दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लगा हुआ हूँ तो कोशिश कर रहे हैं कि एडुकेशन का भी एडुकेशन जो है हम लोग सीखें और बताएं निकालें कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए ओके चलिए एंड विद सिक्स क्विक क्वेश्चंस एंड क्विक आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू लाइक अ क्विक फायर और इंटरव्यू का अंत करते हैं उसी के संग तो पहले 2019 की अपेक्षाएं काफ़ी सारी फिल्म्स लाइंड अप 2019 तो यू नो एंटिसिपेशन फॉर 2019 मतलब एक दो हिट हो जाए तो दो तीन और मिल जाएंगे एंटिसिपेशन फॉर सिम्बा आज एक नया गाना भी आया जी फिल्म का इंशाल्लाह आई थिंक दैट यू नो आई थिंक इट शुड डू बहुत अच्छा गाना है मैंने देखा हां अच्छा लगा आपको थैंक यू ओल्ड स्कूल बट हां मजेदार है या आई हैड फन जी ओके न्यू ईयर रेजोल्यूशन दिस दिसंबर का महीना आ गया है टू नॉट मेक अ रेजोल्यूशन यू नो जस्ट गो विद इट एंड ट्राई टू लिव इन द मोमेंट एंड हैव अ गुड टाइम एंड स्टे फोकस्ड ओके जी मैंने कुछ ऐसे 150 चीजें लिख रखी हैं जो छोटी छोटी हैं वो कर लूंगा जो मैं करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया तो 365 दिन में 150 तो हो ही जाएंगे ये ऑफन सवाल जो आपसे पूछा जाता है ऑन राइवलरी विद योर ऑल द यंग एक्टर्स अनन्या एंड जानवी एटसेट्रा इस सवाल को कैसे देखते हैं आप फेड अप हैं या फेड अप नहीं हूँ मैं समझती हूँ कि सब किसी का जॉब भी है यू नो Like it's my job to act. I think it's Janvi's job to act. It's Ananya's job to act. At the risk of sounding derogatory, it is somebody's job to make a collage of three of us and say who looked better, who will act better, whose trailer is better. And I think that, you know, if everybody's comfortable in their skin, which I really think Janvi, myself and Ananya are, then I think it's all good. It's all in good spirit and we don't take it to heart. Okay. And we have our own personalities, so it's fine. Finally, some fun ones now. Are you a morning or evening person? Morning and evening. Is that possible? Okay. Me? Yeah. Evening. Evening. Tea or coffee? Coffee. Coffee. Okay. Hills or beach? Beach. I can't decide. Okay. Maybe hills because Kedarnath is set in the hills. So. Okay. Thank you so much for joining us. Thank and all so the very much. Best. Thank As you I said, so much. It looks like a you know, very powerful film. It's been your labor of love for a while now. So let's hope the audiences Thank really so respond much. To it well. And Inshallah, all the very best so. For your career and Sushant for 2019. Thank you.